दीपावली त्यौहार के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा नवाही इलाके के मुख्तलिफ मुकामात पर पटाखे छोड़ने के दौरान अलहदा हादसात में 10 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है, जिनमें कमचिन लड़कों के अलावा ख़वातीन भी शामिल है और इनमें से पुराने शहर लाल दरवाज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले एक कमचिन लड़के वैद्यनाथ नायडू की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है, जिसे पटाखा लगने की वजह से एक आंख बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है और वैद्यनाथ नायडू को हालत देखने के बाद सरोजनी देवी आई अस्पताल में शरीक कर लिया गया और इसकी सर्जरी भी की जाएगी, जबकि दूसरे मरीजों का आउट पेशेंट की हैसियत से इलाज किया गया, जिनमें सईदाबाद से ताल्लुक रखने वाला सिद्धार्थ के अलावा और एक कमचिन लड़का ख्वाजा पाशा व दीगर भी शामिल है। पटाखे छोड़ने के दौरान जख्मी होने वालों के लिए मासाब टैंक में वाक़ सरोजनी देवी आई अस्पताल में पहले से ही डॉक्टरों का खसूसी इंतज़ाम कर दिया गया है, जहां पर RMO डॉक्टर नजफी बेगम की राष्ट्र निगरानी में 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक टीम को मुख्तस कर दिया गया है। तो चलिए इस मौके पर डॉक्टर नजफी बेगम का बयान भी पेश किया जा रहा है और इन्होंने पटाखे छोड़ने के दौरान एहतियात बरतने की भी बच्चों के वालिदैन से अपील की है, क्योंकि इनका मानना है कि पटाखे छोड़ने के दौरान लापरवाही बरतने की वजह से इस तरह के हादसात पेश आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। आज के लिए दीपावली के लिए स्पेशल 4 टीमों का इंतजाम करे हैं, जिसमें हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर रेसिडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट्स हैं और अदर स्टाफ है और स्टाफ नर्सेस हैं और हेड नर्सेस हैं, जो मिलजुल के पेशेंट को मदद करेंगे और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। अगर अब तक जस्ट 5 केसेस आए, जिसमें से 3 केसेस को हम दे के भिजा दिए, उनको सीरियस इंजरीज नहीं थे, और 2 केसेस को हम एडमिट कर रहे हैं, जिसमें से 1 का सर्जरी होने वाला है। और हमारे स्पेशलिस्ट जो है, हर किस्म के स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में। हमारे पास स्पेशलिटी है और सब स्पेशलिटी है, यहाँ पर रेटिना है, स्क्विंट है, ऑक्युलोप्लास्टी है और कॉर्निया है, जिससे हम पेशेंट की हर बीमारी को पहचान के उसका इलाज करते हैं। यहाँ पर छोटा पैदा हुए से बच्चे से, प्रीमेच्योर बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों से, जिसको कैटरेक्ट मोतियाबिंद रहता, हम उनके सर्जरी में ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स को इको फ्रेंडली पटाखे यूज़ करो, और जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ रहो। क्यों बोले तो जब पेरेंट्स के गाइडेंस में बच्चे पटाखे छोड़े तो इंजुरीज नहीं होते ज़्यादा, और बच्चों को क्या होते सब भाई ऐनक पिना के पटाखे छोड़ने दो, उससे 90% ऑफ द इंजुरीज नहीं होते बच्चों को, और अगर कुछ भी आंख में चले गया तो इमीडिएटली उसको ठंडे पानी से धो के हॉस्पिटल को लेकर आइए।